बीच में ये नारायण तक बद कुछ शब्द सुनाने जा रहे हैं कि नारायण तक का बद दद बनने कैसे किया था। ये नारायण तक कौन था बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं है। धूमकेत कहने लगो रावण को समझाई, नारायण तक त्यारो पुत्र शोभा को ले बोलवाई। आप नारायण तक को बुलवा लो, और जब नारायण तक का नाम सुना है तो रावण कहने लगा कि मुझे पूरी बात विस्तार रूप में बताएं, मेरे समझ में नहीं आई। धूम के मंत्री हर मंत्री क्या बोले, तो जब मंत्री ने कही बात ये सही रहो बदलाई, नारायण तक त्यारो पोत्र रे तुम दे हम साप बताई। मूलन में जन्म लाल दो तत्काल अरे बुमारी, मंदिर में लग जाओ रे पाल के बलिया। जवाब दिया है धूमकेत मंत्री ने रावण, सुनो ना। अरे मूलन में जन्म बेटा, मंत्री ने कि नारायण तक जो था वो मूलों में पैदा हुआ था, इसलिए तुमने उसे वाह दिया था, उसके साथ कई लड़के बहुत सारे कितने बताए। तो जवाब दिया है शिव मंदिर में जाई उसी पे झुकाई कही मन बानी, ये कई दियो वरदान रे शाम से आए वरदान, अरे सब वरदान सब वरदान सब वरदान सब वरदान, और क्या।
जब सारी बात धूमकेतु मंत्री ने बताया, सम से उसने वरदान भी पा लिया है और वरदान में क्या मांगा, ऐसा नगर होना चाहिए न पृथ्वी पर हो न आकाश में हो। तो मेरे भैया, विद्वानों का कहने का मतलब है कि बेहबलापुर नगर बसाया है उसने। कौन सा? बेहबलापुर। इधर रावण को बता रहा है मंत्री, अरे बेहबलापुर मकू नगर तो जवाब दिया है कि वो बेहबलापुर में रह जाए। तो रावण कहने लगा, अरे धूमकेतु, अगर ऐसी बात है तो इस समय हमारे बेटा को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि रामा दल से विजय कराने वाला और दुनिया और दूसरा दिख ही नहीं रहा है कोई। आहा, क्या हुआ? पाती लिखने लगा है और कैसे, आज का पियले की अकल पियालो, और पियले खाना लिख दिया
चल दिया है डोमकेत मंत्री तो क्या हुआ नौजवान साथियों। सीधे लगाई लाई नंगा रखी अरे मैं